फतेहाबाद में नशे के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे लोगों को समर्थन देने के लिए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला धरना स्थल पहुंचे। चौटाला ने अनशन पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया कि जेजेपी की सरकार आने पर नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ा कानून बनाया जाएगा। जेजेपी की सरकार बनने पर नशे का व्यापार करने वालों अगर हम पकड़ते तो उनको नॉन अवेलेबल उसके ऊपर एक्ट के अंदर तब्दीली करी जाएगी, जिसके अंदर ऐसे लोग कहीं ना कहीं सरकार से डले। और जो सजा का प्रावधान, आज के दिन तो आप बेल लेकर फिर छूट सकते हैं, फिर ये व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज वो शायद 2 साल, उसको 5 साल से ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब तक लोगों को हार्ड एक्शन नहीं दिखेंगे तो लोग इस तरह की गतिविधियों को रोकेंगे। दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री के नशा रोकने की मंशा पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सीएम नशे की तस्करी को रोकना ही नहीं चाहते। हरियाणा के एक एक कोने में पहुंचा है, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के अंदर, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि वो चाहते नहीं प्रदेश नशा मुक्त। फतेहाबाद को नशा मुक्त बनाने के लिए कई लोग अनशन पर हैं और नशे को खत्म करने के लिए अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक वादा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। R9 TV के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।